महासमुंद जिले में पटवारी संघ का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है, तो वहीं संघ ने नौ सूत्री मांगों को लेकर पटवारी संघ 14 दिसंबर से लगातार काम बंद हड़ताल पर है। पटवारियों के प्रदर्शन में ट्रेनी पटवारी भी शामिल नहीं हुए हैं। जिले के लगभग 180 पटवारी धरने पर हैं और पटवारियों के हड़ताल के चलते राजस्व विभाग का काम खासा प्रभावित हो रहा है, तो वहीं ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के लोग अपना काम करवाने के लिए इधर उधर भटकने को मजबूर है। इधर जिला प्रशासन ने पटवारियों पर शिकंजा कसना भी अब शुरू कर दिया है, जहां पर महासमुंद ब्लॉक के पटवारियों को एसडीएम ने शो कॉज नोटिस जारी कर दिया है। हमने नौ सूत्री मांगे रखी हैं, जिसमें सर्वाधिक समस्या ऑनलाइन होने से है, जो भुइयां रिकॉर्ड के, तो भुइयां ऑनलाइन रिकॉर्ड होने के बाद हमें पटवारियों को संसाधन उपलब्ध नहीं कराया गया है। तो हमारी मांगे शासन से ये है कि पटवारियों को मूल रूप से संसाधन के रूप में लैपटॉप उपलब्ध कराए, पटवारियों को नेट भत्ता दें, स्टेशनरी का खर्च दें। पटवारी जो हमारे हड़ताल में नहीं गए हैं, उनको हम लोग जो है वैकल्पिक चार्ज दिया जाकर उनके माध्यम से कार्य संपादित करा करके राजस्व कार्य को सुचारू रूप से कराने का प्रयास किया जा रहा है। आगे कुछ कड़ी कार्रवाई की कुछ शासन के निर्देश अनुसार इनमें कार्रवाई करने के निर्देश हैं, जैसे इन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई, ब्रेक इन सर्विस करने और इस पूरे अवधि को जो इनके हड़ताल अवधि को अवैतनिक करने, वेतन उसमें, तो इस तरीके की कार्रवाई के निर्देश हैं।